हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों को क्रिएट अ शॉर्ट का ऑप्शन मिल चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला, वो अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को अपडेट करके इस क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन को हासिल कर सकते हैं। वैसे तो आप एडिटिंग करके शॉर्ट वीडियो की यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने का तरीका बता सकूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन अगर आपको मिल गया तो आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है और वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कैसे करनी है। तो मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन के बारे में तफसील के साथ जानने के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो क्रिएट अ शॉर्ट के बारे में मुकम्मल तफसील से आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने अपने मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहां पर क्रिएट अ शॉर्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। अगर तो आपके पास गैलरी में पहले से शॉर्ट वीडियो पड़ी है तो आप गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करके शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप रेड बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर जो आपके पास तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अब मैं आपको इसके बारे में तफसील से बता देता हूँ कि ये तीन ऑप्शन किस बारे में। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्पीड का। अब अक्सर ही आपने टिकटॉक और स्नैप वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर देखा होगा कि स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है 0.3x का, वो वेरी स्लो मोशन हो जाता है, और 0.5x का स्लो मोशन में आ जाता है, और 1x नॉर्मल। उसके बाद जो आपके पास 2x का ऑप्शन होता है वो फास्ट का, और उसके बाद वेरी फास्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो 1x जो है वो नॉर्मल मोशन होता है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है फ्लिप का। फ्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करने से आप कैमरे को रोटेट कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक कैमरा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है टाइमर का। टाइमर के ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं, इट मीन्स कि आप जब इसे टाइमिंग को सिलेक्ट करके अपना स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग उतने सेकंड के बाद जो है रिकॉर्ड होना शुरू होगी, जैसे कि 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। तो अभी मुझे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। क्रॉस करने के बाद अब मैं आपको ऐड म्यूजिक के बारे में बता देता हूं। ऐड म्यूजिक के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यूट्यूब की तरफ से जो रेकमेंड किए जाते हैं सॉन्ग, वो सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो आपके पास जब यहां पर सॉन्ग्स आएंगे, इनके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं होता है। इसका मैं आपको प्रूफ वीडियो अपलोड करते हुए दिखाऊंगा, बकायदा प्रूफ दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूं, और जब हम यहां पर सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेंगे, आपके पास यहां पर जो ब्लू एरो नजर आ रहा है, आपने यहां पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर सॉन्ग ऐड हो चुका है। और सॉन्ग ऐड होने के बाद आपने यहां पर टाइमर को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने टाइमिंग को सिलेक्ट करने के बाद 3 सेकंड के बाद जब आपका कैमरा स्टार्ट हो, तो आप स्टार्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यूट्यूब ने जितना सॉन्ग आपको रेकमेंड किया होगा उतने सॉन्ग तक आपकी यहां पर रिकॉर्डिंग चलेगी। मैंने यहां पर कैमरा को ब्लैक किया हुआ है ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। तो आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास यहां पर नीचे 3-4 ऑप्शन नजर आते हैं। तो यहां पर आप अपनी वीडियो की मुकम्मल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास यहां पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहां पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपलोड करने से पहले टाइटल देना है। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट वीडियो। तो यहां पर टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपके माइंड में हो, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड। तो शॉर्ट वीडियो लिखने के बाद अगला ऑप्शन आता है पब्लिक का। जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपने इस वीडियो को पब्लिक सिलेक्ट करना है। पब्लिक सिलेक्ट करने के बाद अगली जो पॉलिसी आ जाती है यूट्यूब की, दिस कॉन्टेंट इज नॉट मेड फॉर किड। जब आप क्लिक करेंगे तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कि दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे सिंपली अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप यहां पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो अपलोडिंग पे लग जाएगी। और जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाए तो इसका मैं आगे जाके आपको प्रूफ दिखाता हूं कि जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो जिस सॉन्ग के ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, क्योंकि जिस सॉन्ग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उसे यूट्यूब खुद रेकमेंड कर रहा है कि आप इन सॉन्ग्स के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। तो यहां पर मैं
मैंने अपनी वीडियो को जो है वो अपलोडिंग के ऊपर लगा दिया है। अब अगला स्टेप मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं आता। बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ कि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। तो अब अगले स्टेप के ऊपर वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी जो वीडियो है वो प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो में, और YT स्टूडियो में जाने के बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ दिखा देता हूँ कि जो हमारा YT स्टूडियो का वीडियो ऑप्शन होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मालूम है कि डिटेल के साथ आ जाती हैं। अगर कोई कॉपीराइट क्लेम हो तो वो भी नज़र आ जाता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया, यही जो अभी शॉर्ट वीडियो मैंने लिख के टाइटल दे के बनाया था, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आपने ऐड लाजमी करना है, इसका थंबनेल भी आप लगा सकते हैं अगर आपका चैनल वेरीफाइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे किसी भी किस्म का कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, वीडियो पब्लिक है। अगर कोई स्ट्राइक आई होती तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आया होता लाजमी। तो इस तरह से आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। वेल, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो कि क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल के साथ बताने की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।